नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं इस समय बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूं और एक हमारे साथ आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं और उनकी समस्याएं कुछ हैं और समस्याएं ऐसी हैं कि जिसे जो है बयान करना जो है मुश्किल है। डॉक्टर को जो है भगवान का रूप दुनिया में माना गया है, लेकिन इनका जो है कहना है एक डॉक्टर ने उनकी जिंदगी लेने की कोशिश की। आइए पूरी जो है जानकारी इन्हीं से लेने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम अच्छेलाल चौहान। गाँव कहाँ है आप? जनपद बलिया दलथरा रोड विधानसभा और ग्राम सिधौली थाना भीमपुरा। उस समय से मेरी तबीयत गड़बड़ था। मैंने स्वास्थ्य केंद्र में आया, एक डॉक्टर बैठे थे तनवीन नाम के, जिन्होंने उनके पास गया, मेरा एक्सरा कराए। एक्सरा कराने की बात मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब क्या मुझे रोग है? कहा कुछ नहीं, कोई रोग नहीं है, मुझे निगेटिव दिखाए। मुझे निगेटिव जब दिखाए टीवी का की, ये जो जांच हुई आपकी, तो किस तरह की जांच आपकी कराई गई? मेरा सीने का जांच हुआ। सीने की जांच होने की बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरा क्या रोग है? बोला कोई रोग नहीं है, उसमें स्वामक खामा खाई सब निगेटिव दिखाएं। दिखाने की बाद उनकी दवा चलने लगी। चार हफ्ता उनकी दवा खाते मैंने बहुत 80% तक मेरा सुधार था। खासा ना खुदा उनका ट्रांसफर हो चुका। मैंने फिर उसी हॉस्पिटल में गया। इस हॉस्पिटल में आप गए थे? दलथरा रोड स्वास्थ्य केंद्र में। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठे थे, मैं उनके पास पहुंचा, जिनकी उनकी पर्चियां हैं। हाँ, जब मैंने पहुंचा तो यह पर्ची जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने पर्ची घुमाकर बिक दिए और बहुत गुस्सा होकर मुझे डांटे। मैं वहां बहुत भावुक हो गया कि एक डॉक्टर गरीब की जिंदगी बचाने के लिए बैठता है, इन्होंने डांट कर भगा दिए। फिर मुझे एक पर्चा उनका बना, यह उनकी पर्चा जो है। कब उनका पर्चा बना? उसी रोज पर्चा बनवाए थे? एक पर्चा बना था जिसमें कुछ नहीं मिला, ये दूसरे पर्चा बनवाए मैंने। वो दूसरे पर्चा बनवाए, वहाँ जाने की बाद उन्होंने कहा कि आपको टीबी हुआ है, एक सारा करा लीजिए। कौन का, कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर लालचंद शर्मा, डॉक्टर लालचंद शर्मा। पहले दिन तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने भगा दिया, तो फिर कब गए आप? वहाँ दूसरा दिन गया हूँ। हाँ, तो जब वह बनाया तो कहा कि एक सारा कराइए। एक सारा कराने की बाद उन्होंने कहा कि बलगम आप दे दीजिएगा। मैंने बलगम दे दिया, कुछ टेस्ट नहीं किए और सीधा इस पर्चे पर टीवी का मरीज लिख दिए। सीधा इस टीवी के मरीज लिख दिए। उस समय मैंने और भावुक हो चुका। डॉक्टर शर्मा ने जब दवा लिखा, मैंने काउंटर पर गया, दवा लिया। दवा लेने की बाद मैं उसमें का 6 खुराक दवा खाया। खाने की बाद जब हमारी शरीर डिस्टर्ब होने लगी, तो 2 दिन के बाद गया, मैंने पूछा भाई साहब आपने कैसे दवा दिए हैं? तो 2 कंपाउंडरों ने वहाँ बयान दिया कि जो डॉक्टर लालचंद लिखा है हम लोग वह दवा दे चुके हैं, उसमें मेरी कमियाँ नहीं है। उनके दवा का यह सैंपल है, इसमें से 2 ये कुछ दवाएं आपने जो खाई हैं, 2, 2, 4, 5, 6 दवा खाई। 6 दवा खाने के बाद मुझे पूरा एक शरीर में डिस्टर्ब होने लगा। तब हमने एक मित्र का कार्ड बनाने के लिए, उसमें कार्ड बनाने के लिए एक अधिकारी प्रेस किया, कल लाएंगे ना। हमने सोचा भाई क्यों इतना प्रेस कर रहे हैं। हमें कैसा कार्ड बन रहा था, क्या मांगा गया था उसमें? उसमें आधार कार्ड मांगा गया था और खाता नंबर। तो मैंने कहा कि अब तक के जीवन में तो मेरे पास खाता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी का भी ले आकर दे देना। मैंने ले जाकर दिया। कार्ड बन गया आपका? हाँ, सुनिए, कार्ड ले जब ये देने की बात मैं गया, देने की बात 4 दिन के बाद मैंने गया,
यह मुझे मिला, यह चीज मिला है, ये मिला। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बलिया, आपका नाम लिखा हुआ अच्छे लाल चौहान। ठीक, तो यह कार्ड मिला, शरीर में जब पूरा डिस्टर्ब होने लगा। कैसे डिस्टर्ब होने लगा, मतलब क्या चीज? इस दावे से, दवा खाने की बाद पेशाब जलन उधर पर सूझा हुआ है, यहाँ पूरा इतना ढेला कि नहीं निकला हुआ है। फिर आप जाके उन डॉक्टर साहब से मिले, उनको बताए? हमको उन्होंने, कर्मचारियों ने उनका कहा कि जाइए थोड़ा डॉक्टर साहब से बात कीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं अब उनसे मिलने नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा रिकॉर्ड दीजिए। काफी अब दुखी हो गए। हाँ, तब हमने मऊ का, यह है मऊ गया जिसमें निगेटिव पाया गया। वहाँ क्या हुआ, जांच उच कराई है? जांच हुआ, एक्सरा हुआ, बलगम टेस्ट भी हुआ, बलगम टेस्टिंग भी हुआ, और वहाँ भी मेरे ऊपर कोई शरीर में दागी नहीं। तो मैं मऊ से दवा चलाना चालू कर दिया। हाँ, आराम मिला। लेकिन यहाँ देखिए, मैंने एक रजिस्ट्री जिले के डीएम को लगाया हूँ, रजिस्ट्री माध्यम से मैंने इसलिए लगाया कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर उचित कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। कि आज मेरे ऊपर हुआ है, कल किसी के ऊपर हो सकता है। हम गरीब आदमी कहाँ से दवा करा पाएंगे? एक माननीय सीएमओ साहब को लगाया, ये भी रजिस्ट्री माध्यम से लगाया। यही लगाया कि गरीबों को मदद होनी चाहिए, लेकिन कोई इस रजिस्ट्री का मुझे जवाब नहीं मिला। कल यह लगाया माननीय प्रदेश के चीफ मिनिस्टर परम पूज्य आदित्यनाथ योगी साहब के सामने, माननीय योगी साहब इस पर कठोर निर्णय लें, जो गरीबों के साथ हो रहा है ऐसे डॉक्टरों को तत्काल कार्रवाइयां होनी चाहिए। नहीं, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर परम पूज्य आदित्यनाथ योगी से मांग रहा हूँ कि इस डॉक्टर के ऊपर उचित कार्रवाइयां होनी चाहिए। हम लोग साथ संत आदमी कैसे चलते हैं, उचित कार्रवाइयां होनी चाहिए, इसको उचित कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो ये अच्छे लाल चौहान जी थे, जिनके बारे में जो है आपने पूरा सुना, जो अपनी जो है पीड़ा जो है बता रहे थे आप सभी लोगों को। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार है और ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और सरकारी हॉस्पिटलों का लगातार जो है दौरा कर रहे हैं, और सरकारी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चले, डॉक्टर जो है समय से मरीज को देखें, अच्छी दवाइयां दें, मरीज ठीक हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं जो है अपने तरफ से वो करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे वृद्ध व्यक्ति से मिलने के बाद यह पता चल रहा है कि ऐसा कुछ जो है अभी देखने को धरातल पर मिल नहीं रहा है। और इनके साथ जो है जो भी इन्होंने जो है डीएम को जो दरखास्त लगाई है, सीएमओ को दरखास्त लगाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दरखास्त लगाई है, उस पर जो है जांच करके उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट, आप देखते रहे भारत मीडिया चैनल।